आज हम बनाएंगे बिना मैदे के आटे से बना हुआ चिली ट्रायंगल्स। ये बहुत ही क्रिस्पी है और ये खाने में उतना ही टेस्टी है। ये बहुत ही खस्ता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में हम लगभग 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। हमने इसे इस मेजरिंग कप से मेजर किया है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स के बाद अब हम 1/3 कप बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे और हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा के प्लेस पे आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हो। और ये हम लगभग 1/4 कप देसी घी लेंगे। घी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक बार थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे बिल्कुल मसल मसल के मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक इसका टेक्सचर बिल्कुल बाइंडिंग ना हो जाए। एक बार मिक्स करने के बाद अब हम और घी ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक बार चेक करेंगे, अगर ये लड्डू जैसा बन रहा है तब तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी ये अच्छे तरह से नहीं बन रहा है, ये हल्का सा टूट जा रहा है। तब हम इसमें और घी ऐड करेंगे। टोटल हमने लगभग 1/4 कप घी ऐड किया है। हमने देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। देसी घी में बना हुआ ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब ये बिल्कुल परफेक्टली बाइंड हो गया है। अब हम इसका डो बनाएंगे। हम इसमें हल्का हल्का करते हुए वार्म वाटर लेंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें तब तक वाटर ऐड करते रहेंगे जब तक पूरा डो बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, बिल्कुल बाइंड ना हो जाए। एक साथ हम सारा वाटर नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो डो गीला बन जाएगा और हमारा स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनेगा। थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे तरह से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल बाइंड होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम पूरा बाइंड कर लेंगे। बाइंड करने के बाद हम इसे हल्का सा गूंथ लेंगे, लगभग 20 से 25 सेकेंड। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंथेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमने इसे गेहूं के आटे में बनाया है। अगर आप इसे मैदे में बनाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे के प्लेस में आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद अब हम डो में से बॉल्स लेंगे, उसको रोल करके हल्का सा चिपटा करके ऊपर से फ्लोर डस्ट लगाएंगे। फ्लोर डस्ट लगाने के बाद अब हम इसको बेलेंगे। हम इसे हल्का सा बड़ा ही बेलेंगे। फ्लोर डस्ट लगाने से ये चकले पे चिपकेगा नहीं। हम इसे हल्का पतला ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे तरह से बेल जाएगा। ये देखिए, अब हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरह से बेल लिया। अब हम इसको कट करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसको कितना पतला और कितना मोटा रखा है। ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। हम इसे एक पेस्ट्री कटर से कट करेंगे। चारों तरफ से कट करके हम इसे एक स्क्वायर शेप देंगे। पेस्ट्री कटर से कट करने से इसमें एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनती है। आप इसे किसी भी कटर से कट कर सकते हो या आप इसे नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हो। अब हम इसकी स्ट्रिप्स तैयार करेंगे। सेम पेस्ट्री कटर से हम इसकी कई सारे स्ट्रिप्स बनाएंगे। स्ट्रिप्स को हम बहुत पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे। अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे और एक स्ट्रिप्स में अब हम ट्रायंगल कट करेंगे। ये देखिए, हम इसे ऐसे कट कर रहे हैं। आप इसे किसी भी शेप्स में कट कर सकते हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर आप इसे डायगोनल शेप में भी कट कर सकते हो। हम इसे इस वाले पेस्ट्री कटर से कट कर रहे हैं। आप इसे किसी भी चीज़ से कट कर सकते हो। ऐसे ही हम सारे स्ट्रिप्स को ट्रायंगल में कट करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए, कितने आसानी से ये कट हो जा रहा है। ऐसे ही हम सारे डो में से कट करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। हम एक साथ बहुत सारा नहीं कट करेंगे। पहले हमें जितना फ्राई करना है उतना कट कर लेंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए को भी कट कर लेंगे। इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे।
अब एक कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें हम एक एक करते हुए जो हमने ट्रायंगल्स कट किए हैं उसे ऐड कर देंगे। हम एक साथ बहुत सारे ट्रायंगल्स ऐड कर सकते हैं। एक साथ हम लगभग 10 से 15 ट्रायंगल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप कढ़ाई में और भी तेल ऐड किए हो तब आप इसमें और ट्रायंगल्स भी ऐड कर सकते हो। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है। हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनेगा। एक एक करते हुए जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये पूरे साइड से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। एक साइड गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब इसे हम पलटे से पलट लेंगे। पलटने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमें इसे ऐसा गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसे एक टिश्यू पेपर पे रखते जाएंगे ताकि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करते हुए सारा तेल से बाहर निकालेंगे और सेम तेल में और भी ट्रायंगल्स फ्राई करेंगे। एक साथ हम कई सारा ऐड कर लेंगे। ये बिल्कुल फूल के ऊपर आ जाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। इस समय हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। जब ये हल्का फ्राई होने लगे तब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसे तेल से बाहर निकालेंगे। ये देखिए कितने सुंदर दिख रही हैं डिजाइंस। अब इसे एक बड़ी सी प्लेट में रखते जाएंगे। ऊपर से हम कोटिंग्स करेंगे। हम इसमें चाट मसाला डालने से ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। चाट मसाला के बाद अब हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो, या आप इसे बिना चाट मसाला स्प्रिंकल किए भी यूज कर सकते हो। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऊपर से कोटिंग करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये स्टेप आप जरूर फॉलो करें। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ठंडा होने के बाद हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये महीनों तक खराब नहीं होगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी है और देखने में ये उतना ही बढ़िया है। खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये बिल्कुल खस्ता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।